समय था जब लोगों के जबान पर सराह ऐप का नाम चढ़ा रहता था और मोबाइल में रहता था सराह ऐप। ये एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप था जिसके जरिए किसी को भी बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए फीडबैक दिया जा सकता था। अब काफी दिनों बाद सराह फिर से लोगों के बीच आया है लोगों की जुबान बनकर। जी हाँ, सही सुना आपने, सराह के क्रिएटर्स ने अपना नया प्रोजेक्ट एन ऑफ लॉन्च किया है जो लोगों की वर्किंग प्लेस पर पॉजिटिव माहौल बनाने में मदद करने वाला है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के बीच एक कनेक्शन फॉर्म करके। इस ऐप को भी सराह के मेकर्स ने बनाया है और इस ऐप के जरिए वर्कप्लेस पर एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर एक दूसरे से सीक्रेटली कनेक्ट रह सकते हैं और ये कदम वर्कप्लेस को सिक्योर बनाने के लिए उठाया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाहे इंडिया हो या अमेरिका, आए दिनों वर्कप्लेस पर लोग हरासमेंट का शिकार होते रहते हैं और कुछ भी कर नहीं पाते। उनका कहना है कि हमेशा से हमारा मिशन लोगों के हेल्प के लिए सर्विस तैयार करना रहा है। पहला ऐप हमने ऑनेस्ट और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए बनाया था और अब हमने इनऑफ को ऑनलाइन लॉन्च किया है, जिससे हमें उम्मीद है कि वर्कप्लेस पर किए जाने वाले हरासमेंट के बारे में कंपनी के एम्प्लॉयज अपने एम्प्लॉयर को बता पाएंगे। ये एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को बिना अपनी पहचान बताए ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे इंसिडेंट्स और इश्यू को प्राइवेटली एम्प्लॉयर के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे तो लोगों की आवाज भी सुनी जाएगी और गलत बिहेवियर या हरासमेंट करने वालों के खिलाफ कदम भी उठाया जा सकता है। तो आप भी अपने फोन में तुरंत डाउनलोड करिए एनऑफ ऐप एंड सराह के इस कदम को मदद करिए आगे तक ले जाने में। नेक्स्ट 9 टेक के लिए रक्षा की रिपोर्ट।